हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी टाइम विथ न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो। इलाहाबाद हाई कोर्ट से आरओ एआरओ 2021 की वैकेंसी आई हुई थी और इसका जो परिणाम जारी हुआ तो इसमें इतनी अनियमितताएं पाई गई कि विद्यार्थी उसको पचा ही नहीं पा रहे। लगातार हर एक मिनट में आपको कोई ना कोई नई जो फ़ोटो है, नया कोई सबूत है, वो देखने को मिल जाएगा। आप जिन भी ग्रुप में जुड़े हुए हैं, जैसे भी अगर आपने आरओ यारो का एग्ज़ाम दिया होगा या इससे संबंधित होंगे, तो लगातार आप ये देख रहे होंगे कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई आपको सबूत लगातार मिल रहा है कि इस स्टूडेंट का ये हो गया, इस स्टूडेंट का ये हो गया। यानी कि किसी स्टूडेंट के कम नंबर हैं और वो सिलेक्ट हो गया, किसी के ज़्यादा हैं वो सिलेक्ट नहीं हुआ, किसी का आरओ में 70 नंबर ही आया है और एआरओ में 192 लेकर आ रहा है। बहुत सारी जो अनियमितताएँ हैं वो पाई गई हैं और लगातार विद्यार्थी आवाज़ भी उठा रहे हैं और कोर्ट में केस करने का भी अभी प्रयास में लगे हुए हैं कि जल्द से जल्द इसमें जो स्टे है वो लिया जाए और इसका कोर्ट में जो केस किया जाए, ताकि इसकी जांच हो कि इसमें जो गड़बड़ी है और जो इतना अनफेयर रिज़ल्ट आया है। मतलब कि कोई भी अभी तक ऐसा जेन्युइन स्टूडेंट नहीं मिला है जो बोले कि हाँ मेरा सिलेक्शन हो गया है, और जिनका सिलेक्शन हुआ है उनका भी पता नहीं है कि वो कहाँ है। तो लगातार विद्यार्थी तो अपने स्तर पर प्रयास कर ही रहे हैं, हम लोग भी लगे हुए हैं कि लोगों से बात करने में कि इसमें क्या और कैसे हो सकता है, क्योंकि कोई कैसे 200 में से 194, 193, 192 नंबर ला सकता है, जहाँ पर 150 नंबर का जीएस का पोर्शन रहता है, जिसमें ऐसे ऐसे सवाल रहते हैं कि विद्यार्थियों की हालत ख़राब हो जाती है सवाल सॉल्व करने में। और वहीं पर ये जो विद्यार्थी जिनका सिलेक्शन हुआ है 194 नंबर लेकर आए हैं, 192 नंबर लेकर आए हैं, और उसमें भी एनटीए ने किसी का एनटीए स्कोर जारी किया है, किसी का नहीं जारी किया है, किस प्रकार से टाइपिंग में नंबर दिए हैं ये भी कोई क्लियर नहीं किया है। तो सब लोग लगे हुए हैं, लेकिन मेरी खान सर से भी रिक्वेस्ट है कि अगर वो इन सब चीज़ों को देखें, और जो भी विद्यार्थी अगर पटना में हो तो वो खान सर के पास जाएं, अगर उन्होंने आरओ यारो का पेपर दिया था या इससे संबंधित हैं, उन्हें इसकी जानकारी है, तो वो खान सर के पास जाएं और उन्हें सारी चीज़ें डिटेल में बताएं कि ये देखिए ये सारी अनियमितताएं हुई हैं। जो लड़का UP SSSC PET की परीक्षा जो कि अगस्त में हुई थी उसमें मात्र 14 नंबर पाया, आरओ 2019 की जो परीक्षा हुई थी उसमें मात्र 39 नंबर पाया, और वो कैसे 4 महीने बाद 192 और 93 नंबर ला सकता है 200 में से, जहाँ 150 नंबर का जीएस का पोर्शन था। और भी बहुत सारी चीज़ें कि 11 तारीख को जिसका पेपर है वो 70 नंबर ला रहा है, और 11 के बाद दूसरा एआरओ का पेपर 19 तारीख को है तो 190 नंबर लेके आ जा रहा है। कैसे ये 4-5 दिनों में इतना ज़्यादा पढ़ लिया कि बिल्कुल टॉप ही कर गया। तो ये सारी चीज़ें हैं, सारे प्रूफ आप दिखाइए उनको, और हो सके तो खान सर से बात करिए कि वो भी मदद करें और इस चीज़ को समझें और बताएं, और जब वो आवाज़ उठाएंगे तो हो सकता है कहीं ना कहीं लोगों को इसकी जानकारी होगी और इसके बारे में ज़्यादा बड़े स्तर पर कार्रवाई हो, और फिर कोर्ट भी इसमें जो अपना निर्णय वगैरह है वो दे और सारी चीज़ें हों, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चले। वरना धीरे धीरे ऐसे ही ये मुद्दा शांत हो जाएगा और जो अनफेयर तरीके से सिलेक्ट हो गए हैं वो ज्वाइन कर लेंगे और सब रफा दफा। तो खान सर के पास आप लोग भी मेल करिए, मैसेज करिए, जैसे भी जो भी हो सकता है वो करिए। निश्चित तौर पर अगर उन्हें ऐसा कुछ समझ में आएगा और सारी चीज़ें पता चलेंगी, आप लोग अच्छे से उनको एक्सप्लेन करेंगे, सारी चीज़ें बताएंगे, तो वो निश्चित तौर पर आवाज़ उठाएंगे और सभी विद्यार्थियों का साथ देंगे, क्योंकि वो हमेशा स्टूडेंट के साथ रहे हैं, रहते हैं और रहेंगे। और यहाँ पर अगर स्टूडेंट्स के साथ गलत हुआ है, और ऐसा नहीं कि किसी एक के साथ हुआ, दो के साथ हुआ, चार के साथ हुआ, बल्कि पूरा जिसने फॉर्म फिल किया है सभी विद्यार्थियों के साथ गलत हुआ है कि किस प्रकार से ये सारी रिज़ल्ट में धांधली की गई है और कैसे अनफेयर तरीके से। एक तो पहली चीज़ तो जब एग्ज़ाम हो रहा था उसी टाइम पे परीक्षा सेंटरों में गड़बड़ी हो रही थी, और उसके बाद जब अब रिज़ल्ट आया तो उसमें भी इतनी सारी अनियमितताएँ हैं। तो निश्चित तौर पर खान सर मदद करेंगे, और मेरी भी उनसे पर्सनल रिक्वेस्ट है, अगर वो ये देख रहे हैं तो प्लीज़ इसमें आप अपने स्तर पर भी जांच करिए और देखिए कि क्या स्टूडेंट सच में सही बोल रहे हैं या फिर सब ऐसे ही चल रहा है। तो प्लीज़ मदद करें। थैंक यू, मिलते हैं नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ,
और आप सभी विद्यार्थियों से भी रिक्वेस्ट है कि खान सर की मेल आईडी अगर हो या वहाँ ऑफिस का नंबर हो तो उनसे संपर्क करने की कोशिश ज़रूर करें। थैंक यू।